Hey guys, hello, namaste. My name is Ishani Gupta and welcome back to my channel. तो फ्रेंड्स, एज बाय टाइटल आप सबको ऑलरेडी पता है, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस, इन सब चीज़ों के बारे में, इन सबको कैसे ट्रीट करना है. हम सभी कहीं ना कहीं इन सभी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं. एक कॉमन प्रॉब्लम होती है हम सभी के लिए, या तो कोई डार्क स्पॉट्स के तरह फेस करता है, जैसे पिंपल्स हो जाते हैं, उसके डार्क स्पॉट्स रह जाते हैं, या डिस्कलरेशन हो जाता है, या ब्लेमिशेस रहते हैं. बहुत लोगों को ब्लेमिशेस की भी प्रॉब्लम होती है, पिगमेंटेशन रहता है, कहीं कहीं पे स्किन पे पिगमेंटेशन हो जाती है. सो ये सभी प्रॉब्लम्स को आज हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं वो देखने वाले हैं. बहुत लोग डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जो स्किन के डॉक्टर होते हैं उनके पास जाते हैं, और वो इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए एक बहुत ही अमेजिंग इंग्रेडिएंट के बारे में बताते हैं, जो कि है कोजिक एसिड. तो आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ कोजिक एसिड के बारे में बात करने वाली हूँ. ये क्या है, कैसे रहता है, किस तरह से हमारी स्किन पे वर्क करता है, एंड कोजिक एसिड के बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि ब्रांड है ला ऑर्गेनो के कोजिक एसिड रेंज के बारे में मैं पूरा आप सबके साथ डिटेल में बात करने वाली हूँ. कोजिक एसिड किस तरह से मेरे स्किन पे हेल्प कर रहा है, मुझे मेरे डार्क स्पॉट्स एंड पूरे रेडनेस को रिमूव करने में मुझे कैसे हेल्प कर रहा है, वो सब हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं. सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो. कोजिक एसिड एक तरह का केमिकल है जो कि डिफरेंट तरह की फंगी से बनाया जाता है. ये एक बाय प्रोडक्ट होता है सोया सॉस और राइस वाइन का. कोजिक एसिड वर्क्स एज अ लाइटनिंग एजेंट व्हिच इन्वॉल्व्स इट्स इफेक्ट्स ऑन मेलानिन प्रोडक्शन. कोजिक एसिड के बहुत से अमेजिंग बेनिफिट्स हैं, विच इज़ एंटी एजिंग इफेक्ट, स्कार्स को लाइट करता है, मेलेज्मा को ट्रीट करने में हेल्प करता है, एंटी फंगल बेनिफिट्स हैं और एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट्स भी है. नाउ विल सी ऑल दी स्किन केयर स्टेप्स जो मैं इन दिनों फॉलो कर रही हूँ 15-20 डेज से, मेरी स्किन के लिए बहुत ही अमेजिंगली वेल, बहुत ही अच्छे से वर्क कर रही है ये सब चीज़ें. तो जिस ब्रांड को मैं आज इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ वो है ऑलरेडी मैंने आप सबको कोजिक एसिड के बारे में बताया है. तो अब मैं ब्रांड के बारे में बताती हूँ, ला ऑर्गेनो कोजिक एसिड फोमिंग फेस वॉश. इसके मैं 4 स्टेप्स फॉलो कर रही हूँ, 15-20 दिन से यूज़ कर रही हूँ, एंड बहुत ही अच्छे से मेरी स्किन को बहुत ही ज़्यादा क्लियर कर दिया है. अदरवाइज जब भी समर्स आते थे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होने की वजह से मुझे पिंपल्स आने लगते थे, बट दिस टाइम अभी मुझे तो बिल्कुल भी पिंपल्स नहीं दिख रहे हैं. इनफैक्ट मेरे फेस की जो रेडनेस थी वो कम हो गई है, मेरा फेस अभी बिल्कुल क्लीन है, मैंने अभी कुछ भी यूज़ नहीं किया है. मैं भी आप सबके साथ पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सब प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ. सो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फेस वॉश से. सो दिस इज ला ऑर्गेनो कोजिक एसिड फोमिंग फेस वॉश विच इज़ फॉर स्किन ब्राइटनिंग एंड लाइटनिंग. This face wash is free from SLS, paraben and mineral oils and contains all the amazing ingredients like licorice, vitamin C, niacinamide and ashwagandha and also other natural ingredients. This face wash helps to lighten the appearance of age spots, scars, sun damage, corrects uneven pigment and discoloration. Makes it ideal for complexion perfecter. ये फेस वॉश बहुत ही अच्छे से लैदर करता है, फेस को एकदम डीपली क्लीन करते हुए बहुत ही सॉफ्ट स्किन आपको देता है. आई जस्ट रियली रियली लव द रिजल्ट्स ऑफ दिस, सो ट्राई इट फॉर योर सेल्फ. नाउ विल मूव ऑन टू अर नेक्स्ट स्टेप विच इज स्क्रब. सो दिस इज ला ऑर्गेनो कोजिक एसिड स्क्रब विच इज मेंट अगेन फॉर ऑल स्किन टाइप. दिस जेंटली एक्सफोलिएट्स डेड स्किन इम्प्योरिटीज एंड पोल्यूशन फ्रॉम दिस स्किन. ये हमारे पोर्स को डीपली अनक्लॉक करते हुए डिटॉक्सिफाई करता है और स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन भी करता है. इतना ही नहीं, स्कार्स और फाइन लाइंस को प्रिवेंट भी करने में हेल्प करता है, जिससे हमें मिलती है क्लियर और ग्लोइंग स्किन एंड ऑल्सो हेल्प्स टू स्मूदन आवर स्किन टेक्सचर. और इसके ग्रैनुल्स भी बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है एंड बहुत ही अच्छा फील होता है स्किन में इसे स्क्रब करने के बाद. अगेन बहुत ही सॉफ्ट एंड ग्लोइंग स्किन मिलती है. एंड नाउ विल मूव ऑन टू आर नेक्स्ट स्टेप विच इज़ ला ऑर्गेनो कोजिक एसिड सीरम. एंड अगेन दिस इज मेंट फॉर ऑल स्किन टाइप. दिस कंटेन्स नो सिलिकन, नो पैराबेन, दिस इज़ नेचुरल एंड सेफ. एंड इसे स्टिल आई रिकमेंड कि आप अप्लाई करने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर करें. इसमें ये ऐसा क्लेम करते हैं, ऐसा लिखा है इनके बॉक्स में कि दिस कंटेन्स प्रीमियम क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, लेकिन इसके कलर में थोड़े चेंजेस आ सकते हैं टाइम के हिसाब से, बट इसकी जो भी क्वालिटीज़ है वो लूज़ नहीं होगी, वो एग्जैक्ट वैसे ही काम करेगा. सो देर इज़ नथिंग टू वरी. दिस अगेन इज़ वेरी ईजी टू यूज़. इसे हमें थोड़ा सा लेके क्वान्टिटी अपने पूरे फेस पर टैप टैप करते हुए अप्लाई करना है, जब तक हमारी स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व ना हो जाए.
जाए। एंड इसमें भी बहुत ही अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं लाइक लिकोराइस, विटामिन सी, नियासिनामाइड, अश्वगंधा एंड अदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, जो कि हमें हेल्प करता है हमारी स्किन को ब्राइटन और कोई भी स्कार्स, एज, स्पॉट्स एंड डैमेज को दूर करने में। एंड नाउ विल मूव ऑन टू आर लास्ट स्टेप विच इज ला ऑर्गेनो कोजिक एसिड क्रीम, विच इज अगेन मेंट फॉर स्किन ब्राइटनिंग एंड लाइटनिंग, विच इज नेचुरल एंड सेफ विद नो सिलिकॉन, नो पैराबेन एंड इज मेंट फॉर ऑल स्किन टाइप। इसके अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स हेल्प करते हैं हमें हमारी स्किन को लाइटन और ब्राइटन करने में, डार्क स्पॉट्स को हटाते हैं, इतना ही नहीं अनइवन पिगमेंटेशन को भी करेक्ट करते हुए रिंकल्स और फाइन लाइंस को कम करने में हेल्प करते हैं। इसके और भी बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट्स हैं। इसे यूज़ करना भी बहुत आसान है। थोड़ा सा लेके, थोड़ी सी क्वांटिटी लेके हम अपने पूरे फेस पे अच्छे से मसाज करते हुए स्प्रेड करना है एंड या यू आर गुड टू गो। कैन यू लुक एट माई स्किन, हाउ ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग माई स्किन लुक्स। ये सभी प्रोसेस को मैं 15-20 डेज से फॉलो कर रही हूँ एंड आई एम लविंग माई स्किन। And that's it for this video, friends. अगर आपको वीडियो मेरा छोटा सा रिव्यू वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टेक केयर।